नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ वागीश। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको नए नए सितारों से मिलवाते हैं, सितारों की नगरी में आपको लेकर जाते हैं। लेकिन ये जो सितारा है उन्हें आपने देखा होगा कहानी घर घर की। जी हाँ, एक सीरियल आया करता था कहानी घर घर की रात 10 बजे, उसमें प्रणय का किरदार इन्होंने निभाया था। अच्छा, आप नहीं पहचान पा रहे होंगे, इनका नाम है निवान सेन, जिन्होंने कई सीरियल्स किए हैं लेकिन कहानी घर घर की में हमने लीड रोल में प्रणय के किरदार में देखा। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सीरियल्स किए। अच्छा, फियर फाइल्स में भी निवान ने मुख्य भूमिका निभाई है। वहीं बात करें तो दो हंसों की जोड़ी, जो काफ़ी फेमस सीरियल हुआ था, उसमें भी निवान ने भूमिका निभाई है। वहीं बात करें फिर कोई है में भी निवान नजर आए थे। तो ऐसे उन्होंने कई सीरियल्स किए हैं, लेकिन बात करें उनकी फिल्मों की तो फिल्मों में 7 कदम फिल्म जो निवान की रही है, और उसके बाद कंटिन्यूसली हम उन्हें देख रहे हैं सीरियल में। और एक सीरियल आया था प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, इसमें भी निवान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और उसके बाद फिर क्या था, लाइन लग गई सीरियल की। निवान ने खूब सारे सीरियल किए हैं, फिल्में किया, लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हैं निवान, और निवान को वाराणसी से काफ़ी लगाव है। जब भी वहां जाते हैं तो बहुत सारी यादें शेयर करते हैं। लेकिन यूपी से निकलकर मुंबई तक वे कैसे पहुंचे, आखिर ये सफ़र उनका कैसा रहा, आखिर इतने सारे सीरियल्स उन्हें कैसे मिले, फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है, बड़े पर्दे पर निवान की एंट्री कैसे हुई, छोटे पर्दे के बाद उन्होंने बड़े पर्दे पर एंट्री की, इन सभी चीज़ों के लिए हम जल्द ही निवान से आपको मिलवाएंगे, जल्द ही उनसे बात करेंगे कि आखिर ये सफ़र उनका कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, छोटे पर्दे पर काम करना उन्हें कितना पसंद है, बड़े पर्दे का एक्सपीरियंस उनका कैसा है। चलिए उनके सीरियल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। उन्होंने कहानी घर घर की सीरियल में काम किया है, इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार की खोज में भी निवान हमें दिखाई दिए थे, फिर कोई है में भी निवान की भूमिका है। वहीं आहट की बात करें तो आहट में भी निवान सेन हमें नजर आए थे। वहीं बात करें तो फुल टाइम पास सीरियल में भी निवान की भूमिका हमें दिखाई दी। वहीं दो हंसों का छोड़ा में भी निवान ने मुख्य भूमिका निभाई है, ये सीरियल काफ़ी फेमस हुआ था। वहीं बात करें तो खोटे सिक्के शो में भी निवान दिखाई दिए। वहीं बात करें तो प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, इसमें भी निवान सेन ने भूमिका निभाई है। फेयर फाइल्स की यदि बात करें तो फेयर फाइल्स में भी वे नजर आए हैं। बात करें तो सावधान इंडिया में भी कुछ एपिसोड्स निवान ने किए हैं। बात करें तो 7 कदम शो भी उनका है जिसमें निवान नजर आए हैं। उसके बाद उन्होंने कई सारे सीरियल्स किए हैं, प्लेज जो एक पॉकेट फिल्म थी उसमें भी निवान नजर आए हैं। वहीं बात करें उनकी फिल्मों की तो ध्वनि फिल्म में निवान दिखाई दिए हैं, प्लेज फिल्म थी उसमें भी दिखाई दिए हैं, बीनफुल फिल्म थी उसमें भी निवान नजर आए हैं। लेकिन उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है, बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी निवान को दिया गया था। और इसी के साथ आज निवान लगातार छोटे पर्दे पर और बड़े पर्दे पर बने हुए हैं, काफ़ी सारे सीरियल्स उन्होंने किए हैं, टीवी शो खोटे सिक्के का हिस्सा रह चुके हैं निवान, टेलीविजन पर लंबे समय से सक्रिय है निवान। करेंगे जल्द ही आपको उनसे मिलवाएंगे कि आखिर ये सफर उनका कैसा रहा, आखिर कैसे छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर निवान पहुंचे, और इतने बड़े बड़े सीरियल उन्होंने किए हैं। कहानी घर घर की सीरियल जो हुआ करता था, काफी लोग उसे देखा करते थे, घर घर में चर्चे कहानी घर घर की के थे, उसमें भी प्रणय के रोल में हमें निवान दिखाई दिए थे। हम उनसे जल्द ही आपको मिलवाएंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनके करियर के बारे में, आखिर कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे वो एक्टिंग फील्ड में पहुंचे, ये एक्टिंग का कीड़ा था या फिर प्रोफेशन, इन तमाम चीज़ों के लिए हम जल्द ही निवान से आपको मिलवाएंगे। हमें पता है कि आपको निवान का इंतज़ार है, लेकिन हम भी निवान का इंतज़ार कर रहे हैं। उनसे बहुत सारी बातें करनी है कि आखिर इतने सारे सीरियल्स में कैसे काम किया, और बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड निवान को कैसे मिला, आखिर कौन सा वो एक्ट था जिसके बाद निवान को ये अवार्ड दिया गया। वहीं बात करें तो फियर फाइल्स में भी निवान नजर आए हैं, आखिर वो सीरियल फियर फाइल्स उन्हें कैसे मिला, पॉजिटिव किरदार उन्होंने काफ़ी किए हैं, हमने देखा दो हंसों का जोड़ा ये जो सीरियल था उसमें भी हमें दिखाई दिए हैं। वहीं बात करें टीवी शो
खोटे सिक्के की, तो उसमें भी निवान हमें नजर आया है, सात कदम में भी हमें निवान दिखाई दिए हैं। वहीं बात करें तो आहट में भी निवान सेन ने भूमिका निभाई है। ऐसे करते करते उन्होंने कई सीरियल किए हैं, और फिल्मों की यदि बात करें तो फिल्मों के बारे में भी हमने आपको बताया, ध्वनि फिल्म उनकी रही है, उसके बाद उन्होंने की है प्लेज फिल्म, जिसके लिए बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। उसके बाद उन्होंने की है बिनफुल, उसमें भी निवान हमें दिखाई दिए थे। और आपको बता दें ध्वनि फिल्म के लिए नॉमिनेट भी हुए थे निवान सेन, और प्लेज फिल्म के लिए उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है, बेस्ट क्रिटिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था निवान को। लेकिन सीरियल की यदि बात करें उनके, तो छोटे पर्दे पर काफी लंबे समय से सक्रिय हैं। हम अक्सर जब छोटे थे तब ये सीरियल कहानी घर घर की आया करता था रात 10 बजे। उसमें प्रणय के किरदार में आपने इन्हें देखा होगा, काफी फेमस सीरियल हुआ था ये निवान का, और उसमें निवान दिखाई दिए। उसके बाद बहुत सारे सीरियल्स हमें देखने को मिले, दो हंसों का जोड़ा, आहट, फियर फाइल्स, ऐसे कई शोज में हमने उन्हें देखा है। खोटे सिक्के में भी निवान हमें दिखाई दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे सीरियल निवान ने किए हैं, और फिल्मों में भी उनकी एंट्री हो ही गई है। ध्वनि फिल्म, प्लेच फिल्म, बीनफुल फिल्म, इस तरह की फिल्में उन्होंने की है, और बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड निवान को मिल चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं निवान की, जिसमें निवान दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है निवान, और वाराणसी से काफ़ी लगाव निवान को है, क्योंकि वहीं वे रहे हैं। वहीं बात करें तो यूपी के वाराणसी से निकलकर मुंबई तक निवान पहुंचे हैं। उनका सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। बहुत सारे सीरियल्स में निवान ने काम किया है, कहानी घर घर की, आहट, फियर फाइल्स जैसे कई बड़े सीरियल्स में हमें निवान दिखाई दिए। हम जल्द ही उनसे आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, कि निवान हमसे जल्द ही जुड़े और उनके करियर के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में निवान हमें बताए कि आखिर छोटे पर्दे पर निवान की एंट्री कैसे हो गई। और छोटे पर्दे के बाद फिर फिल्मों में भी काम किया, और फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। तो निवान की हम बात कर रहे हैं, उनके करियर की बात कर रहे हैं। प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा में रही थी उनकी मुख्य भूमिका। वहीं आज बातें सितारों की में हम जल्द ही आपको अभिनेता निवान सेन से मिलवाएंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है निवान सेन, और चलिए आपको सीधे उन्हीं से बात करवाते हैं कि आखिर उनका सफ़र ये कैसा रहा था। निवान, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ पर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए। आई थिंक आप हमें दिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फोन के थ्रू हम आपको सुन पा रहे हैं। जल्दी हम दर्शकों से कह रहे हैं कि जल्दी हम निवान को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले फोन पर ही उनसे जान लेते हैं कि आखिर निवान का ये सफर कैसा रहा। निवान, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उसके पहले जो लहर की चेतावनी दी है वैज्ञानिकों द्वारा, तीसरी लहर की, दूसरी लहर धीरे धीरे कम हो रही है उसकी रफ्तार, ऐसे में निवान क्या कुछ संदेश दर्शकों को देना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, वागीशा आपको भी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ। मेरा नाम निवान सेन है, और अनफॉर्चुनेटली आपका मैं काफी देर से फोन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कैमरा से, पता नहीं क्या टेक्निकल एरर आ रहा है। जी कोई कॉन्स्टेंट बात नहीं ट्राइंग टू निवान, कनेक्ट। आपकी आवाज दर्शक लगातार सुन पा रहे हैं, और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सीधे लाइव देख पाए। जी बिल्कुल। मैं अभी देखिए तीसरे, देखिए ये जो मेरी धारणा और मेरा परसेप्शन कोविड को लेके कुछ अलग ही है। जी मेरा बिलीफ जो है, कोविड को लेकर, बिकॉज आए मुझे ऐसा याद है कि मुझे मुझे कोविड हुआ था शायद लास्ट ईयर। मैंने दिखाया तो नहीं, लेकिन उनके सिम्टम्स बराबर थे। मैंने घर पे ही क्वारंटाइन करके अपने आप को इलाज किया, और मैं 10 दिन में रिकवर कर गया जी नॉर्मल क्रोसिन और एनासिन से, और सिर्फ मतलब नॉर्मल एंटीबायोटिक्स के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अब अगर गवर्नमेंट अगर वैक्सीन दे रही है, सबको वैक्सीन लग रही है,
तो ये चीजें क्लियर करनी जरूरी है कि देखिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अमेरिका आज जो बाइडेन ने पूरी अमेरिका को खोल दिया, 50 के 50 स्टेट्स जो है वो खुल चुके हैं जी। अब अगर इस वक्त जब कोविड का आपने सब एक कलाकार से अब राजनीतिक सवाल पूछ लिया देश के कनेक्टेड, तो खैर मैं अपना अपना पक्ष रख देता हूँ कि देखिए बात यह है कि कोविड जो है अगर उसकी वैक्सीन आ गई है, सरकार कह रही है वैक्सीन लगवा लीजिए, मैंने लगा लिया पहला डोज, तो अगर वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है तो फिर आई मीन फिर डरने की क्या जरूरत है? अगर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है फिर जरूरत क्या डरने की? एंटीबॉडीज तो आपकी बॉडी में डेवलप हो ही गई। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि लोग इस किसी भी मुगालते में रहे, किसी भी डर में रहे। उनको विश्वास रखना चाहिए कि कोविड जो है एक अनटचेबिलिटी है, हर वायरस एक अनटचेबल होता है। अगर आप मास्क का यूज करते हैं, प्रिकॉशन इज द बेटर देन क्योर, अगर आप प्रिकॉशन करते हैं, क्राउड में ज्यादा क्राउड ना लगाएं, मास्क का यूज करें और उस पर से आप वैक्सीनेशन जरूर करवा लें, अगर वैक्सीनेशन अप्रूव्ड है तो मुझे लगता नहीं है कि किसी कोई डरने की बात है। अब नहीं, अब वैसी हालत नहीं होनी चाहिए थर्ड वेव में। बिल्कुल निवान, आपने अभी कहा कि आपको कोविड हुआ था और आप 10 दिन में रिकवर भी हो गए थे, तो शायद एक कारण ये है कि निवान पॉजिटिव रहे, फिट रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल 100% बात यह है कि आपको अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, आपको रोज योग करना चाहिए, रोज आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप जो भी आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उसका पार्ट होना बहुत जरूरी है। आप जिम में जाएं, क्रॉसफिट करें, योगा करें, मार्शल आर्ट करें, जो भी करें। तो मेरा, मैं शुरू से स्पोर्ट्स में रहा हूं तो मेरा रिजीम है कि मैं अभी तो कॉन्स्टेंट इतने घंटे 5-5, 6-6 घंटे ग्राउंड पे नहीं रह पाता हूं, लेकिन कम से कम कोशिश है कि 1.5-2 घंटे जिम में दिए जाए, अलग अलग फिजिकलिटीज में, अलग अलग एक्टिविटीज में, तो मेरी कोशिश ये रहती है। और दूसरी, हमारे आम रोजमर्रा की जिंदगी में, अभी मैं आपको बताऊंगा, मैंने अपने भाई से एक बार पूछा, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मैं बनारस गया, मैं अपने भाई से, मेरे भाई जो है वो बिजनेस में है, तो मैं पूछता हूँ तुम सुबह क्या नाश्ते में खाते हो, बोलता जाता हूँ दुकान में, जाता हूँ शॉप में तो इडली मंगा लेता हूँ या फिर समोसे मंगा लेता हूँ। अब आप सोचिए जरा, दोपहर को वही बाटी चोखा मंगा लिया, अच्छा शाम को चाय समोसा, तो आप जरा सोचिए। मैं आपको एक इन जनरल बात बता रहा हूँ जी, रोजमर्रा की जिंदगी में आम हिंदुस्तानी कितने लोगों को पता है फाइबर क्या है, उनको क्या पता है मिनरल्स क्या है, मल्टीविटामिंस क्या है, प्रोटीन क्या है, जिसकी शरीर को सख्त जरूरत है, जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। आपके शरीर में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपके शरीर को गार्ड कर सके। वड़ा पाव खा के और पोहे खा करके आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी, आपको कच्ची हरी सब्जियां भी खानी पड़ेंगी, आपको मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा, आपको वेजिटेरियंस हो तो उसको उसके हिसाब से प्रोटीन कंटेंट लेना पड़ेगा, नॉन वेजिटेरियंस हैं तो उसको अपनी तरह से कंटेंट लेना पड़ेगा। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है किसी भी वायरस से फाइट करने के लिए, बेसिक चीज है मेरे हिसाब से। बिल्कुल निवान, खान पान का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत सारी बातें करनी है निवान, आपने भी कहा कि यूपी के बनारस से आप हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये वाराणसी बनारस की नगरी से निकलकर आखिर निवान मुंबई तक कैसे पहुंचे। एक सीरियल आया करता था कहानी घर घर की, रात 10 बजे, अभी भी मुझे उसका टाइम भी याद है निवान, तो ये कहानी घर घर की आखिर कैसे बन गई, इस कहानी में निवान कैसे पहुंच गए, इस घर के अंदर निवान कैसे पहुंच गए? वेल देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं जैसा कि आपको हमारी कल बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि एक रैंडम चैट में कि मेरा, मैंने हिंदुस्तान की सबसे पहले रियलिटी शो का मैं रनर अप भी रहा हूँ, जी सिनेस्टार की को सीजन 1, वो मेरे बॉम्बे में आने का सबसे बड़ा जरिया भी था, एक माध्यम भी था, एक प्लेटफॉर्म भी था। उसके बाद जो है उस रियलिटी शो को खत्म करने के बाद 2005 में एक वर्ष तो मुझे एक फिल्म मिल गई थी, तो एक वर्ष उसी फिल्म के चक्कर में निकल गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बन नहीं पाई। वेल उसके बाद 2007 में एकता कपूर जी ने मुझे एक शो ऑफर किया, उन्होंने मेरा ऑडिशन, उनके यहाँ बहुत सारे ऑडिशन दिए थे मैंने, तो उन्होंने मेरा एक ऑडिशन देखा और एक रात को अचानक से कॉल आया कि उनके क्रिएटिव हेड का, मीतू नाम था उनका, उन्होंने कॉल किया, बोला कि निवान सी आप जो है एक हमारे शो है, हमारा एक शो है कहानी घर घर की, उसमें हम एक किरदार है प्रणय जी, उसको उसमें आपको कास्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज आप कल सेट पे पहुंच जाइए। कोई लुक टेस्ट नहीं, कोई ऑडिशन नहीं सीधे, क्योंकि ऑडिशन लुक टेस्ट उन्होंने देख रखा था पहले से। तो एकता मैम का एक खासियत उनके साथ काम करने की ये थी कि वो बिलीव और फेथ रखते हैं एक्टरों पे, और उनको ऑडिशंस और आई मीन
जो तामझाम दूसरे टीवी चैनल प्रोडक्शंस करते हैं उतना उतना नहीं होता उनके यहाँ। वो बिलीफ रखते हैं, फेथ रखते हैं एक्टर्स पे। अगर उन्होंने ऑडिशन देखा है एक बार दो बार किसी भी एक्टर का, तो उनका जजमेंट, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं इस बात की बिलीव करता हूँ। तो उन्होंने एक रात में बोला, दूसरे दिन मैं सेट पे था शूट करने। अच्छा निवान, ये जो सीरियल था ये काफी फेमस था, घर घर चर्चे थे कहानी घर घर की के। अब निवान चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट बने और उस सेकंड पार्ट का हिस्सा निवान हो। देखिए, मुझे पता नहीं सेकंड पार्ट, देखिए एकता जी तो बना रही हैं आजकल हर चीज को, सीक्वल बना ही रही हैं। लेकिन मुझे पता नहीं, अगर वो बनाती हैं तो उसमें प्रणय होगा कि नहीं, और होगा तो मैं होगा कि नहीं, ये तो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स के ऊपर है। निवान, लेकिन दर्शकों ने काफी प्यार दिया है इस किरदार के बाद आपको। अब देखते हैं ये सीरियल बनता है या नहीं, और बनता भी है तो क्या हमें प्रणय फिर से वही नजर आएगा। अच्छा निवान, बहुत सारे सीरियल्स आपने किए हैं, लेकिन आपका एक सीरियल हुआ था दो हंसों का जोड़ा, जिसमें निवान काफी फेमस हुए थे, दर्शकों तक पहुंचे, उस सीरियल से जुड़ा कुछ एक्सपीरियंस निवान? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज मुझ तक क्लियर पहुंच पा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शो जो था दो हंसों का जोड़ा, अभी फिलहाल कुछ महीने पहले दंगल चैनल पे भी दोबारा रिपीट टेलीकास्ट चल रहा था, अगर आपको पता होगा तो। ये शो मुझे राजश्री प्रोडक्शन, सूरज बड़जातिया जी के प्रोडक्शन हाउस का है, सर का है उनका, और वहां से मुझे ऑफर हुआ था ये शो, इसके लिए मैंने ऑडिशन करा था। और ये शो मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट शो रहा है अब तक का, मतलब बहुत मेजर शो रहा है और बहुत बड़ा स्टार कास्ट था। राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउस की एक खासियत यह है कि वो जो भी शो बनाते हैं उसका ग्रैंडियर बहुत बड़ा होता है, मल्टी स्टारर होता है वो, चाहे वो फिल्में बनाए सलमान खान साहब को लेकर के मल्टी स्टारर, या फिर वो टीवी शोज बनाए, उनका स्टार कास्ट बहुत बड़ा होता है। तो मेरे लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था आफ्टर कहानी। आफ्टर कहानी भी मैंने बहुत सारे शोज किए, बट वो ग्रैंडियर जो था, वो दूसरा ग्रैंडियर मुझे दो हंसों का जोड़ा में मिला, एंड इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। अच्छा निवान, इतने सारे सीरियल किए हैं, फियर फाइल्स की हम बात करें, आहट की बात करें, प्यार का दर्द, इतने सारे सीरियल्स किए, लेकिन सबसे अच्छा एक्सपीरियंस निवान का कौन सा रहा, सबसे अच्छा किरदार निवान का कौन सा रहा कि आज भी निवान को लगता है कि हाँ ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट किरदार था, ये सबसे बेस्ट सीरियल था? ये मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली बताऊंगा, अभी तक मैंने ऐसा कोई भी रोल नहीं किया जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिला हो, मैं बहुत ही ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ। मेरे एक कलाकार के लिए बहुत जरूरी ये होता है कि उसके जीवन में ऐसा कोई किरदार आए जो उसको एक अमिट पहचान लेके जाए, लेकिन मेरे जीवन में अभी तक ऐसा कोई भी किरदार नहीं है जिससे मैं ये कहूँ कि नहीं यार ये मेरे जिंदगी का माइलस्टोन रोल रहा है या मेरा। हाँ मतलब सारे रोल बहुत अच्छे हैं, बहुत जो मुझे दिया गया है। देखिए टीवी में बहुत ही जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको, ज्यादा लाग लपेट के बिना, टीवी में आप वो काम कभी नहीं कर पाएंगे, अब नहीं होता, पहले होता था 90 के दशक, माफ कीजिएगा 90 के दशक में ये चीज देखने को मिलती थी कि कोई किरदार बहुत फेमस हो जाता था, जैसे भट्ट साहब बनाते थे स्वाभिमान, उसके सारे किरदार बहुत हिट हो गए, आशुतोष राणा साहब या फिर मनोज वाजपेयी साहब, फिर उसके बाद विनीता नंदा ने बनाया तारा, उसमें कार्य काफी, बट अब क्या हो गया, अब सिर्फ मुझे लगता है अब वो स्ट्रेंथ नहीं रही टीवी सीरियल की, उनकी लेंथ भी कम हो गई है, अब सीरियल जल्दी बंद हो जाते हैं, तो अब वो डेडिकेशन के साथ पहचान बना पाना टीवी में बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ एक नया प्लेटफॉर्म अब आ चुका है विगत दो वर्षों से, जब से कोविड लगता है था तो बहुत पहले से ही, लेकिन हिंदुस्तान में अब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है आम जनता के लिए, वो है ओटीटी चैनल्स। दो साल में लोग बहुत अच्छे से रम गए हैं और जान गए कि ओटीटी चैनल्स क्या है, क्योंकि कंटेंट की भरमार है और वहाँ आर्टिस्ट पहचान बना पाता है, क्योंकि आपको 8 एपिसोड के अंदर अपनी पहचान मिल जाती है, पब्लिक जान जाती है कि आप कौन है। जी बिल्कुल निभान, और यंगस्टर को काफी मौका मिल रहा है, हम ये देख रहे हैं कि यंगस्टर इसमें काफी एंट्री कर रहे हैं। आपने कहा वेब सीरीज का दौर शुरू हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि छोटे पर्दे की जो ऑडियंस होती है और वेब सीरीज की जो ऑडियंस होती है वो अलग होती है, अब लोग वेब सीरीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे में निभान की यदि बात करें तो क्या निभान हमें वेब सीरीज में नजर आएंगे, क्योंकि अब दर्शकों तक पहुंचना बहुत चुनौती भरा हो गया है? मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मैंने अभी एक वेब सीरीज की हुई है जो अभी Z5 पे चल रही है, जिसका नाम है 7 कदम जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शूटिंग मेरी काफी पहले हो चुकी थी उसकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मल्टीप्लेक्सेस बंद हो गए हैं और प्रोडक्शन हाउस के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ कुछ
आई मीन उनका पर्सनल कुछ मैटर होगा जिसकी वजह से वो रिलीज नहीं हो पा रही थी, लेकिन फाइनली वो सीरीज जो है रिलीज हुई जी पे। लेकिन मेरे बहुत सारे सीन उसमें एडिटेड हो गए जिसकी वजह से मैंने उसको प्रमोट नहीं किया, मैंने बताया नहीं, लोगों को पता है मैंने वो काम उस शो में काम किया। बट मैं ये मानता हूँ जीवन में चलते रहना और आगे बढ़ते रहना जरूरी है। आप अपना काम करते रहिए, जो आना होगा वो आ ही जाएगा। लेकिन हाँ, लोग बहुत जल्दी, अभी मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अभी बात हुई हमारी, इस लॉकडाउन के पहले ही बात हो चुकी थी और शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी ऊपर वाले की कृपा से, महादेव की कृपा से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन लग गया, दूसरा लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से थोड़ी चीजें आगे बढ़ गई। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी लोग, आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, बहुत जल्दी लोग मुझे एक सीरीज में जरूर देखेंगे। बिल्कुल निवान, क्योंकि ऐसे किरदारों को और ऐसे कलाकारों को दर्शक देखना भी चाहते हैं, और यही कारण है कि निवान ने फिल्में भी की और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी आई थिंक निवान को मिला है। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा निवान के लिए? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं मेरी जो एक्टिंग की जर्नी है वो बहुत बचपन में स्टार्ट हो गई थी, बंगला थिएटर के माध्यम से, फिर हिंदी थिएटर। मुझे ये नहीं पता था मैं बॉम्बे आ पाऊंगा कि नहीं, मुझे कहीं से भी नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है कैसे भी हो। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो मुझे थिएटर में मिला था, लेकिन जब मैंने एक रियलिटी शो किया जिसका नाम था जी सिनेस्टार को सीजन वन, सीजन वन बताना पड़ता है क्योंकि आज इतने रियलिटी शो हो गए, अगर आप सीजन नहीं बनाएंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल से बहुत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के भी 2 से 3 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, सिंगापुर और हांगकांग और एक कंट्री थी कोई, तो 2-3 कंट्रीज ने मेरे ख्याल से पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा हिंदुस्तान के सारे राज्यों में इस रियलिटी शो को, जैसे कि होता है दूसरे रियलिटी शोज पार्टिसिपेशन आते हैं, तो लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। और उनके बीच में से जब मैं जीत के आया और एक बिना एक्सपीरियंस के, बिना अनुभव के स्क्रीन का मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर इन कॉमिक का अवार्ड मिला, एंड वो मेरे लिए एक मतलब मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों के माध्यम से, क्योंकि वो एक मेस्मराइजिंग मोमेंट था मेरे लिए। मैं सच में बताऊं, मैं आपको, मैं महसूस ही नहीं कर पा रहा था कि ये वाकई में अवार्ड की वैल्यू क्या है उस समय। मतलब मैं एक फ्रेश, एक छोटे शहर से उठ करके आया हूँ और मुझे एक अवार्ड मिल गया, लेकिन आज सालों के बाद, 10 साल गुजर गए इस बात को, 10-12 साल हो रहे हैं, मैं अब भी मेरे टेबल पे वो रखा रहता है और मैं समझ सकता हूँ कि कितनी मेहनत लगती है एक अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल, और निवान जरूरी भी है दर्शकों तक पहुंचना, दर्शक आपकी एक्टिंग पसंद करते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं, आपके किरदारों को पसंद करते हैं, उसके बाद ही ये सब हो पाता है। निवान, बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन समय बहुत कम है हमारे पास, मैं एक छोटा सा कॉमेंट आपसे लेना चाहूंगी कुछ सेकेंड के लिए, कि जो युवा इस फील्ड में जाना चाहते हैं, निवान ने तो अपना करियर सेट किया और अभी भी लगातार उनका सफर जारी है, ऐसे में निवान ने कहा कि जल्द ही वो आपको नए प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे, लेकिन उन युवाओं के लिए क्या संदेश जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं? देखिए मेरे पास बहुत सारा बात, देखिए कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से हम लोग ने बहुत सारी बातें नहीं की, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा हम लोग एक और सेशन करें लोगों के लिए, युवाओं के लिए। हमारा एक प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम है अर्बन बोर्ड फिल्म्स, जिसमें हम लोग युवाओं को भी मौका दे रहे हैं, उसके बारे में हम एक अलग सेशन कर लेंगे आपके साथ किसी और दिन, अच्छे से टेक्निकलिटीज के साथ, और मैं आपके साथ कोशिश करूंगा लाइव प्रत्यक्ष रूप से जुड़ भी सकूं, बिल्कुल ये प्रॉब्लम ना है। मैं उनको यही कहना चाहूंगा, देखिए मुगालते में ना रहे, आजकल जो है टिकटॉक और रील्स में लोग एक्टिंग करके ये सोचते हैं कि मैं एक्टर बन गया, मैं उनको होपलेस नहीं करना चाहता, बट वो एक्टिंग नहीं है, वो परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि वो एक एक्टिंग, एक अभिनय, एक अलग ही विधा है, एक अलग ही जॉनर है। आप रील्स में और टिकटॉक में काम करके एक्टर बनने की अगर उम्मीद कर रहे हैं, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, बट वो मिमिक्री करना एक अलग चीज है। आप समझिए पहले जमाने में क्या होता था, 90s के दशक में राजू श्रीवास्तव साहब हो गए और बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हो गए, कॉमेडियंस हो गए, जो लोगों को हंसाने के लिए दूसरों की आवाज निकालते थे, आज भी करते हैं वो लोग। लेकिन मेरे कहने का मतलब है एक्टिंग और मिमिक्री बोथ आर डिफरेंट जॉनर, यानी कि आपको एक्टिंग के लिए उसमें उतरना भी पड़ता है, मोशंस फीलिंग्स निवान आना बहुत जरूरी है, राइट?
आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको मतलब आपको अगर आप किसी फिल्म स्कूल से नहीं है कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं मानता किसी फिल्म स्कूल, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक्टिंग के लिए अगर आपको एक्टिंग फील्ड में आना है। बिल्कुल सही कहा, इस फील्ड में बहुत सारे युवा आना चाहते हैं और मेहनत तो हर फील्ड में हमें करनी होती है। यही कारण है कि आज निवान हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर बात करें तो बहुत सारे सीरियल्स में नजर आ चुके हैं। निवान समय बहुत कम था, समय की कमी के चलते मैं आपको यही धन्यवाद कहना चाह रही हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से बात करने के लिए। तो आज बातें सितारों की, हमने आपको निवान सेन से रूबरू करवाया जिन्होंने कई सारे सीरियल्स में काम किया है और जल्द ही नए प्लेटफॉर्म पर निवान हमें नजर आएंगे। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ, तब तक देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।